अस्सलामुअलैकुम। आज जो हम आपको नुस्खा बताने जा रहे हैं वो तिब्बे मासूमीन अलैहिस्सलाम और तिब्बे इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम में दर्ज है और इसके दर्ज ज़ैल फ़वैद हैं। गुलबे सौदा, गुलबे सफरा व बलगम, दर्द मैदा, हाथ पाँव का फटना, मतली वक़ाए, बुखार, पेचश, पेट का दर्द, दर्द जिगर, सर का बुखार, यरकान और मुख्तलिफ़ किस्म के शदीद बुखार, दर्द मसाना, अमराज अज़ो तनासिल, इन सब बीमारियों के लिए मुफीद होगी। परहेज़, आपको खरफा, मछली, सिरका, सब्ज़ी का परहेज़ करना है। ग़ज़ा में सिर्फ अनाज हो और रोगन है कंजद यानी तिल का तेल। अमलतास गिर्द नली को कहते हैं। उसमें से जो गोदा होगा और जो उसके बीज हो गए उसको मगज़ अमलतास कहते हैं। उनको आधा सिर पानी में एक रात और एक दिन के लिए भगो कर रखना है। उसके बाद उसमें आधा सिर पानी डालकर उसको अच्छी तरह से साफ़ करके निचोड़ लेना है और उस जो गोदा और बीज हो गए उसको बाहर फेंक देना है और उसमें आधा सिर शहद डालकर और 3 छटांक गुले सुरख डालकर चूल्हे पर हल्की आंच के साथ कवाम बनाना है। कवाम बनाने के बाद उसको ठंडा करके उसमें यह नुस्खा डाल देना है, यह नुस्खा, और आपकी दवा तैयार होगी। उसको शीशे या चीनी के बर्तन में डालकर महफूज कर लेना है और नहार मुंह इस्तेमाल करना है। मगज़ अमलतास को हमने एक रात और एक दिन पानी में भगो कर रखा और अब हम इसको कपड़े के ज़रिए साफ़ करेंगे और इसमें से पानी को निकालेंगे। आधा सिर शहद इसमें डाल लेना है या तस्वीर और बना लेंगे।
ये हमारा कबाब तैयार हो रहा है, तकरीबन 15 मिनट से 20 मिनट हो गए हैं। हमारा कबाब तैयार हो रहा है, इसको तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ।